नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेरोस्केप। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला फर्स्ट वीडियो है, तो इस चैनल में मैं आपको अपना एक्वेरियम के जो सेटअप है, जो फिश टैंक है, उसका सेटअप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने करीब 8 महीने पहले अप्रैल 2022 में मैंने फिश ली थी और फिश टैंक रखा था। तो उस समय मेरे साथ बहुत सारे मिस्टेक हुआ था, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उन सारे चीज़ों को मैं अपने चैनल पर कवर करूँगा और साथ ही आप लोगों का जो फिश टैंक से रिलेटेड, जो फिश से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो जो भी लोग नए हैं, जो अभी नए नए फिश टैंक रखे हैं या फिर इन फ्यूचर में फिश टैंक रखने का प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग मैं स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शुरुआती दौर पर जो दिक्कतें होती है, जो परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको फिर सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल होती है और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च करने पड़ते हैं, आपका समय बर्बाद जाता है, ठीक है। तो मैं उन सारे चीज़ों को अपने चैनल पर कवर करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ अपना फिश टैंक दिखाऊंगा और मैं इस फिश में कितनी फिश है वो भी बताऊंगा, और इन फिशों का मैंने नामकरण किया है, ठीक है, नाम नाम रखा है, क्योंकि ये इसको मैं अपना एज ए फैमिली समझता हूँ। ये भी मैं हमारे परिवार का सदस्य है। तो आप भी अगर इन फ्यूचर में अगर आप एक्वेरियम फिश रखते हैं या आपने यहाँ रखा है, तो आप उसको अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह ही उसके साथ बिहेव करें, ट्रीट करें, ठीक है। इस नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो एक सीरीज लाऊंगा एक्वेरियम के ऊपर, Part 1 Part 2 करके, ठीक है। उसमें बिगनर्स के लिए जो भी चीज़ें कवर करनी होंगी वो सारी चीज़ें कवर करूंगा, और जो मिस्टेक मैंने की थी, जो गलतियाँ मैंने की थी, उस गलतियों को भी बताऊंगा, ताकि आपसे वो गलती ना हो और आप लोग वो गलती ना करें, ठीक है। शुरू शुरू में मैंने जब एक्वेरियम रखा था, उस समय मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिश तो मैंने लेके आ गया, बाद में मैंने टैंक लेके आया, टैंक लाने के बाद उसको सेटअप करना और सब चीज़ करना, मैंने बहुत समय बर्बाद किया। और बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने एक्सपीरियंस में पता चला जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, चाहे और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि आप जहाँ से फिश खरीदते हैं, फिश टैंक लेते हैं, उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या होती है तो वो इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो मैं अपने इस चैनल पर बताऊँगा, अपने चैनल पर आने वाली वीडियो पर बताऊँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मिस मत करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मुझको सपोर्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए, और साथ ही मैं आप मुझसे पर्सनली, आपको कोई अगर आपने फिश टैंक रखा है तो आप मुझसे कुछ, आपका कोई प्रॉब्लम है फिश टैंक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है। मेरे वीडियो पे जितने भी कमेंट आएंगे उन सारे कमेंट का जवाब दूंगा मैं। मेरा एक चैनल और है जो नेरोस्केप है, उस पर मैंने, आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें जितने भी कमेंट आते हैं कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। तो आपका प्रॉब्लम जो भी होगा मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो मैं चलिए आप लोग को अपना टैंक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टैंक की साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये टैंक की साइज 2 फीट, ठीक है, 2 फीट साइज है। इसकी जो ब्राइट है वो, जो लेंथ है 2 फीट की है, और इसकी हाइट जो है वो 1.5 फीट की है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 1 फीट की है, तो इसे 2 फीट टैंक बोला जाता है। तो मैंने 2 फीट टैंक लिया था, मैंने पहले एक छोटा सा बॉल लिया था, तो बॉल में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी मुझको, और फिर मुझे फिश और भी डिजाइन, कई किस्म की फिश रखने की इच्छा होने लगी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको ऐसा नहीं करना है, दुनिया भर का फिश नहीं रखना। जितना ज़्यादा फिश रखेंगे, जितना ज़्यादा वेराइटी की फिश रखेंगे, आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उतना ज़्यादा मेंटेन करना होगा और उतना ही ज़्यादा देख रेख रखना होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको फिलहाल अपने टैंक के बारे में बताऊंगा, सेटअप क्या करूँ, सेटअप कैसे किया मैंने। दोस्तों, आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने इसको एक स्टिक लगा के यहाँ पे स्टैंड लगा के खड़ा किया है। दोस्तों, रीज़न क्या था कि जब ये जो केप होती है इसके ऊपर पूरा बह जाती है, पूरा कवर हो जाता है, पूरा ढक जाता है, ठीक है। और जब पानी यहाँ से गर्म, हल्का टेम्परेचर गर्म होता है, तो पानी का भाप बन के यहाँ से इसके अंदर पर जमा होता था। पानी जब ऊपर जमा रहा था, फिर पानी फिर बाद में फिर नीचे की तरफ आ रहा था, तो पूरे गिलास के थ्रू पूरे टेबल तक आता था, ठीक है। टेबल के आने के बाद टेबल के नीचे चला जाता था, टेबल के नीचे, टेबल पर ख़राब हो रही थी। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने इसे स्टैंड लगा दिया, ठीक है। स्टैंड लगाने से मेरा क्या हुआ कि ये जो नीचे का फर्श है, जो टेबल है, जो टेबल ये अब ड्राई रहती है, यहाँ से पानी नहीं आता है। शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी और इसका सोल्यूशन कहीं नहीं था। तो अब ढक्कन निकालना भी ठीक नहीं रहता था, क्योंकि अगर मैं केप को इसको निकाल कर रखूँ, अगर कोई मछली जंप करके आ जाए उस समय घर पे कोई ना हो, तो मछली मरने का चांस रहता है, ठीक
ठीक है। तो मेरा ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैंने स्टिक लगाया चारों तरफ से, दो पीछे दो आगे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टिक मैंने कैसे लगाया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी स्टिक के लगाने से मेरा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, यहाँ से पानी के जो भाप होती है वो आराम से निकल जाती है और मछली भी ऊपर जम नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि मैंने ये स्टिक क्यों लगाया। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को अपने फिश से मिला देता हूँ, मैंने कितने फिश इसमें रखे हैं, मैं फिश के आपको कौन कौन से फिश है वो बता दूंगा, फिर बाद में मैंने फिश के नाम क्या रखे वो भी बताऊंगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कैमरा थोड़ा सामने लेकर आता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने गोल्ड फिश से, ठीक है। ये दो दो फिश जो हैं गोल्ड फिश है, आप सभी को पता ही होगा, ये ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं ये मोली है, ठीक है। तो शुरू में दोस्तों मेरे पास एक और मोली थी, जब मैंने सबसे पहला फिश लिया था तो एक छोटा सा बॉल में लिया था, और बॉल में ब्लैक मोली और व्हाइट मोली थी। व्हाइट मोली दोस्तों मेरे गलती से ही मर गई, ठीक है। उसके बाद ये मोली तब से मेरे पास है। उसके बाद फिर मैंने 10 दिन के बाद मैंने जब गोल्ड फिश लेने के लिए गया तो मुझे पता चला कि गोल्ड फिश के लिए मुझे ऑक्सीजन लगाना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के टाइम में मैंने फिर ये बड़ा सा टैंक लिया गोल्ड फिश के बाद। जब मैंने गोल्ड फिश लिया तो उसके बाद फिर मैंने दो, ये जो देख रहे हैं वाइट वाइट एंजल है, ये एंजल फिश है, एक वाइट एंजल है एक ब्लैक एंजल है, दोनों एंजल मैंने तब ली। और उसके साथ में मैंने दो शार्क ली थी, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने लिया था तो बहुत छोटी साइज में थी, अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। मेरी सारी फिशों में एक फिश जो है इस डब्बे के अंदर है, आप डब्बे के अंदर देख सकते हैं एक फिश होगी, वो कभी कभी बाहर आती है। और वो दो, ये फिश और ये फिश दो शार्क है, दोनों ही शार्क है, दोनों एक ही साइज के थे, लेकिन मेरी वो शार्क ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। लेकिन ये जो शार्क है ये जब मैंने लेके आया था 1 इंच की थी, अभी काफ़ी 3 इंच की हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास टोटल 7 फिश है, दो गोल्ड फिश है, दो एंजल फिश, दो शार्क फिश, एक मोली, टोटल 7 फिश है। मैंने इनका इनका नाम भी रखा है, तो मेरे यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी गोल्ड फिश है, इसका नाम बबली है, और ये जो छोटी वाली गोल्ड फिश है इसका नाम लवली है, ठीक है, ये दोनों फिश। और इसके बाद जो ये मोली जो है इसको मैंने अपना नाम, इसका नाम रखा है मैंने कालू नाम रखा है इसका, ठीक है। ये जो रेड टेल जो शार्क है, रेमबो शार्क, इसका नाम है दारा सिंह। और यहाँ पे जो आप दो एंजल फिश देख रहे हैं, एक का नाम एंजल है एक का नाम एंजेलिका है, ठीक है। ये दोनों नाम मैंने रखा है, आपको ये नाम कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी दोस्तों मैंने जो इस डब्बे में जो छोटी वाली जो गोल्ड सॉरी रेमबो शार्क है, जो वाइट कलर के रेमबो शार्क है, उसका नाम अभी मैंने कुछ नहीं रखा है। तो दोस्तों आप ये काम आपके ऊपर रखता हूँ मैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या रखूँ मैं। तो दोस्तों आप देखिए, ये देख सकते हो मेरा वाइट शार्क जो है इसका मैंने नाम अभी नहीं रखा हूँ, तो इसका नाम आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका नाम क्या रखूँ, क्योंकि मुझे कोई नाम सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस टाइप की है, जिस कलर में है और जिस बिहेव की है, थोड़ा उसको मैं कोई नाम मुझे नहीं मिला। बाकी वो सब फिश के नाम आपको कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। थोड़ी शर्मीली है ये, हमेशा उस बॉक्स डब्बे के अंदर जाके बैठती है। और इन सब फिश में एंजल ये सॉरी ये गोल्ड फिश को छोड़ के बाकी जितने भी फिश है ना, सब सब फिश के लिए एक हिडन प्लेस होना बहुत जरूरी है। तो मैं आने वाले वीडियो में इसमें एक सेटअप करूंगा, इसके नीचे सैंड और इसमें हिडन प्लेस बनाऊंगा, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और कुछ अलग होगा, ठीक है। मैं खुद का एक्सपेरिमेंट करूंगा, खुद का एक्सपीरियंस से मैं इसमें वो सेटअप करूंगा जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आप देख सकते हैं मेरी सारी फिश बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर आप लोग जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और जो भी नए एक्वेरियम हॉबी है, जो भी नए नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। और आप चाहते हैं कि आपकी फिश भी लंबे समय तक हेल्दी रहे और अपने लाइफ को एंजॉय करें, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।